मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है, मुझे जाने दो। वैसे बच गए तुम, अभी गलत लड़की से शादी हो जाती। हाँ, ओ लड़की कहूं कि औरत? लड़की नहीं, औरत नहीं, नागिन हूं मैं। नागिन हूं। किसी को दोनों वीडियो में सिमिलैरिटी दिखी? नहीं दिखी तो मैं बता देती हूँ, दोनों में ही एक बेसिक चीज की कमी है जिसे हम लॉजिक कहते हैं। इंडियन टीवी सीरियल में सब कुछ होता है, मसाला, अमीरी, जलने वाले रिलेटिव्स, व्हाइट हाउस से भी बड़ा घर, टर्न एंड ट्विस्ट, बस कुछ नहीं होता तो वो है स्टोरी। सह लेंगे थोड़ा सा। पर अब इंडियन टीवी सीरियल में एक नया इंग्रेडिएंट आया है, स्टोरी। अबे भाग, सुपर ह्यूमन बीइंग्स। बहुत पहले की बात है जब हमारे पास अच्छे सुपर ह्यूमन बीइंग शोज हुआ करते थे, जैसे चाचा चौधरी। अब ये तो याद ही होगा सबको, नहीं याद है? अरे चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज था। और हीरो की क्या बात है, मां दुर्गा उसके साथ है, विक्रम बेताल, ऐसे काफी अच्छे अच्छे शोज थे यार हमारे पास। और फिर एक दिन सीरियल इंडस्ट्री पे एकता कपूर की नजर पड़ गई, और तब से सीरियल इंडस्ट्री की रीत बदल गई। अब लोग एंटरटेन नहीं होते सीरियल देख के, ये वहां से षड्यंत्र रचना सीखते हैं। इसने मुझको ऐसा बोला, अब तो बदला लेना पड़ेगा, जनता माफ नहीं करेगी। और अब हमारे पास सीरियल के नाम पे है नागिन, इच्छा प्यारी नागिन, नागिन भाग्य का जहरीला खेल, डायन, दृष्टि। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं, अगर तुम्हारे पास सुपर नेचुरल पावर हो तो तुम क्या करोगे, दुनिया को बचाओगे? We don't do that here. ये हमारे वाले अपने घर के इसे सॉल्व करने में लगे पड़े हैं। सोचो अगर एवेंजर इंडिया में बनती तो कैसा होता, एलियन से लड़ाई। अरे हैट, वो सब बाद में देखी जाएगी, पहले हम अपनी घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर ले भाई, वो बहुत जरूरी है। सही में यार, एवरी नागिन सीरियल इज अ मिक्सचर ऑफ जानी दुश्मन, नागिन, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। So, hey guys, स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सीरियल के बारे में एक छोटी सी समरी, जिससे आप लोग को भी समझ में आ जाएगी तो चल क्या रहा है। तो सीरियल बेस्ड है नागिन के ऊपर, सीरियल का नाम है नागिन भाग्य का जहरीला खेल। इसमें क्या होता है, नागिन एक नॉर्मल इंसान से शादी कर लेती है, जिस वजह से नाग लोग वाले नागिन को डिसओन कर देते हैं और नागिन की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। और फिर नागिन जिससे शादी करती है उसकी पूरी फैमिली को कोई मार देता है, पूरी फैमिली का मर्डर हो जाता है, और अब चाहिए नागिन को उसका बदला। किसने की इतना बदली, कहाँ है मेरी बच्ची? हर एक परिवार में से तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते थे कि 25 सालों तक मैं इच्छाधारी नागिन का रूप नहीं धारण कर सकती। तो अब ये यहाँ पे 25 साल आगे बढ़ा के दिखा रहे हैं सीरियल, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट को कोई बताना भूल गया कि मेकअप इस तरीके से करना है कि लोग 25 साल और बड़े लगे। खैर ये तो कॉमन है सारे सीरियल्स में, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई बुढ़ा होता है, ना कोई मरता है, और अगर मरता भी है तो 2 मिनट में पुनर्जन्म होके आ जाता है वापस। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बस जैसा इस सीरियल का VFX है ना, वैसा ही ये पूरा सीरियल भी है, बिल्कुल ही सत्यानाश। और जब ऐसे सीरियल को लोग पूरे उत्साह के साथ देख रहे हैं तो सलमान भाई को भी लगेगा ही ना कि उनकी मूवी जहर है। तो जैसे जैसे सीरियल आगे बढ़ता है नागिन अपना बदला भूल करके फैमिली ड्रामे में इन्वॉल्व हो जाती है, जहाँ पे एक माँ है, एक नागिन है, एक हीरो है और एक बेटी है जो बदला लेने के लिए आतुर है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैंने कहा अपना इंसानी रूप दिखाओ। यानी कि मेरी बेटी? कौन सी बेटी, किसकी बेटी? मेरी बेटी, मेरी बेटी वृंदा, मेरी उत्तराधिकारी, एक इच्छाधारी नागिन। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। नागिन की बेटी, नागिन की बेटी नहीं, और जो नागिन की बेटी है वो किसी और की बेटी है, और ये बात नागिन को 25 साल बाद पता चल रही है। ये तो मजाक हो गया यार। तो अब नागिन को पता चल गया कि नागिन की असली बेटी कौन है, तो अब तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? नागिन की नकली बेटी पहाड़ी से गिर के मर जाएगी, क्योंकि पहाड़ी से तो इनको कतई नेक्स्ट लेवल का प्यार है भाई साहब। और नागिन की असली बेटी कर लेगी विलन के बेटे से शादी। ये सीरियल स्टार्ट हुआ शादी से, खत्म हुआ शादी पे, और चलते रहा सिर्फ शादी पे। वो नागिन है, उसे शादी की जरूरत नहीं है किसी से बदला लेने के लिए, वो
ऐसे किसी को भी ढूंढ ढूंढ के मार सकती है, लेकिन शादी का मतलब 20-25 एपिसोड ज्यादा टीआरपी। सही पकड़े हैं। तुम कोई सा भी सीरियल खोल लो, 5 में से 3 सीरियल में शादी चल रही होंगी, समझ में नहीं आएगा सीरियल चल रहा है या फिर वेडिंग शूट। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अब नागिन की शादी तो हो गई, मगर नागिन को बदला भी तो लेना है, तो बदला लेने के लिए फिर करा दे किसी की भी शादी। इस सीरियल की एक खासियत है, इसमें या फिर सेलिब्रेशन होता है या फिर किसी की शादी की तैयारी, मतलब जॉब काम धंधा किसी का कोई चक्कर नहीं है। अरे नहीं भाई, कसम से ये देख के लग रहा है कि जितना खर्चा इन लोगों ने फंक्शन में किया था उतना खर्चा VFX पे कर लिया होता तो सीरियल में कुछ तो अच्छा होता। नागिन का बदला चेक, फैमिली ड्रामा चेक, लेकिन बिना नागमणि के नागिन सीरियल कैसा? ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। तो अब नागमणि भी आ गई, वो भी देव के माथे में। What? कुछ भी। अब तुम देखो, जो सीरियल स्टार्ट होता नागिन के बदला लेने के लिए, पहले वो आया फैमिली ड्रामे पे और फिर आ गया नागमणि पे। अब दो नागिने लड़ेंगी नागमणि के लिए, लेकिन बात तो बदला लेने की हुई थी ना, वो तो ले लेते पहले। ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। सीरियल की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये कुछ भी कर सकते हैं क्रिएटिविटी के नाम पे। नेटफ्लिक्स से पहले तो इस पे सेंसरशिप लगवाना चाहिए हमें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस सीरियल है, किसी भी सीरियल को देखने का एक मेजर फायदा है भाई साहब, तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से देख सकते हो। ऐसी ये तुम्हारा नया चेहरा है जो मैंने तुम्हें दिया है, तुम इस नई पहचान के साथ वो सब हासिल कर सकती हो जो तुमसे छीना गया है। अब इन लोगों ने नागिन की नकली बेटी यानी इसको वापस से जिंदा दिखा दिया ये चेहरा दे करके, और कुछ रह गया था वो भी कर लो। और अब तो पब्लिक ने भी ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। नहीं मतलब पब्लिक भी लाइक हाँ होता होगा ऐसा, मरी तो गई थी वापस तो जिंदा हो ही जाते हैं लोग, नॉर्मल है ये तो यार। हो गई कोई नहीं। और ये सब तो फिर भी ठीक है, चलो मान लिया। इन्होंने देव की शादी भी करवा दी इससे। लिटरली यार, इनका सीरियल अगर इंसेप्शन वाले चाचा क्रिस्टोफर देख लेना तो वो भी बोल देंगे इट्स बियॉन्ड माय ली। कैसे कर लेते हैं यार, कितने तेजस्वी लोग हैं ये। तुम सोचो, तुम रात में कहीं जा रहे हो और अचानक से आंधी तूफान चलने लगे और बीच सड़क पे एक बूढ़ी औरत तुमसे आके कुछ ऐसा बोले तो तुम क्या करोगे? लौट जाओ, वापस लौट जाओ, रास्ते में बहुत खतरा है, आगे मत जाओ। ऑब्वियसली बात है तुम भागोगे ही ना, लेकिन ये तो सीरियल है, इसमें तो कुछ अलग ही होगा, तो देखो क्या होता है। हर्ष, क्या हुआ? साथ चलना है तो कम विदास। I can give you something to get high on. अबे तू कर क्या रहा है? क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? वैसे मेरे पास हर एज की औरतों को खुश करने का तरीका है। पहली बात तो ये बूढ़ी औरत किस एंगल से गरीब लग रही है? मतलब नई साड़ी पहनी है यार, साफ सुथरी बिल्कुल। ये सीरियल वालों को क्या प्रॉब्लम है गरीबी से? थोड़ी सी गरीबी दिखा देंगे तो हम लोग बुरा थोड़ी मान जाएंगे। और तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो जाए, सुनसान रास्ते पे बूढ़ी औरत सफेद बालों वाली दिख जाए तो तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी, लेकिन ये तो सीरियल है। यहाँ तो भाई साहब का रोमांस जाग गया। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैंने पहले ही कहा था ना, बच्चों की गाड़ी को आगे चलने दो, अब देखो कहाँ रह गए। अरे बाबा टेंशन मत लो, गए होंगे कहीं पार्टी वार्टी करने के लिए, तुम जानती तो हो ना अपने बच्चों को। अरे वो बैचलर पार्टी करने वाले होंगे, वो हवन में बैठने वाले बच्चे नहीं है, हवा में उड़ने वाले बच्चे है ना, इसलिए बच्चों को एंजॉय करने दो। जिंदगी हो तो ऐसी हो। कुछ ठीक नहीं है। वाह क्या आग है। बिल्कुल रियल आग है ये, मतलब किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, सब आराम से खड़े हैं, आग लग रही है तो लगने दो। ये देख के लग रहा है कि 90s की मूवी का क्लाइमेक्स सीन चल रहा हो। और ये लोग कितने टैलेंटेड है यार, बिना धुएं के आग लगा लिया। खैर एकता कपूर ने बोला है करने को तो कुछ सोच समझ के बोला होगा।
नॉर्मल पीपल यूज फोन कम्युनिकेशन, मगर अपने सीरियल वाले गजब हैं। ये साउंड वेव सुनते हैं, वो भी विजिबल। मतलब इन लोगों ने कब डिसाइड किया कि साउंड वेव का कलर ब्लू ही होगा? इनको स्कूल में कोई पढ़ाना भूल गया क्या कि रेनबो और साउंड वेव अलग अलग चीजें हैं? खैर, हमने आंखों से रेड लेजर निकलते हुए सहन कर लिया तो कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। अरे मोनिका, कहाँ हो तुम? सामने आओ। ये क्या बवाल है? हवा में उड़ती उड़नतस्तरी, उड़ालो ग्रेविटी का क्या है, वो तो हमारे लिए है बस। कोई बात नहीं, मगर ये रेड रेड क्यों? एक्स्ट्रा इफेक्ट, एकता कपूर स्टाइल। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ऐसे तो नहीं होता है। काश इनको कोई बता देता कि ये सुपर पावर पे बना रहे हैं सीरियल जिसमें इफेक्ट का फर्क पड़ता है। अच्छे इफेक्ट का फर्क बहुत पड़ता है। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। खैर, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके बता देना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फॉलो भी कर देना। थैंक यू।